ये जो मेरे आप हाथों में देख रहे हैं, ये आपको देखने में अगरबत्ती दिख रहा होगा लेकिन ये अगरबत्ती नहीं है, ये बहुत इसके पीछे मेहनत की कहानी छुपी हुई है। जिस इस कहानी को अगर जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके पूरा वीडियो देखें, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे साथ आप सामने देख सकते हैं दो दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि इस व्यवसाय को करते हैं और ये पटना के कंकड़बाग में ये इनका अपना बिजनेस चल रहा है। बाकी कुछ एक ये मैसेज है हमारे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी के लिए, जो कि इस बिजनेस में जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, जो कि अपने मुंह से जो है उनको कुछ कहना चाह रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी को वंदन करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका, मैं उनके पास गई थी जब ये काम सोची थी वेस्टेज फ्लावर से कुछ बनाया जाए, तब उन्होंने मेरे को सुना नहीं था, मतलब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं जानती थी उस वक्त, एक लेटर लेकर के गई थी तो उनका पीए उन तक तो नहीं जाने दिया, लेकिन मेरे पास उनका दिया हुआ 2500 का वो तोहफा मेरे लिए आया और उस 2500 से मैंने वो फूल का काम चालू किया और आज इस मुकाम तक हम पहुंच गए हैं कि हमारा यहाँ पे अपना जगह भी है, सरकार की मौखिक रूप से जगह भी है, सेट भी बन गया और हमारा प्रोडक्ट यूके लंदन तक जा रहा है। प्रोडक्ट धूपबत्ती, अगरबत्ती, गुलाल और कॉस्मेटिक आइटम बनाने में आज सक्षम है, करीब कह सकते हैं आज 15 से 20 लाख का तक जुगाड़ में हो चुका है। 10 से 15 लोग दिव्यांग यहाँ पे रोजी रोटी चलता है उनका, तो ये उनके उनका दिया हुआ वो तोहफा मेरे लिए बहुत ही लक्की साबित रहा, इसलिए मैं उनको एक बार फिर से बहुत ही दिल के साथ पूरी टीम के तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। और मैं चाहूँगी कि वो कभी अगर हो सके तो हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाएं और देखें कि उनका वो 2500 रुपया कैसे रंग लाया और कैसे 10 दिव्यांगों का रोजी रोटी चल रहा है उससे। और अगर मैं अपील करूंगी कि अगर वो कुछ हमारी और आगे मदद कर सकते हैं तो ये दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जो मेरा मिशन है वो मेरा मिशन नहीं है, वो पूरे देश का मिशन है कि हर दिव्यांग को रोजी रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सालय आसानी से कैसे उस तक पहुँच जाए, तो इस मिशन में वो भी सहयोगी की भागी हो सकते हैं, इसलिए एक बार पधारें, ये मेरा अपील है। और बाकी वो हेल्प करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। कहा जाता है कि पप्पू यादव जी जो है गरीबों का मसीहा है, तो क्या आपको है उन पे ट्रस्ट, क्या आपको मदद करने के लिए दोबारा एक बार आएंगे पटना के कंकड़बाग में? देखो मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया वगैरह पे ही जानता हूँ, लेकिन हम फर्स्ट बार उनके यहाँ गए, उन्होंने मदद की, तो वैसे बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं लेकिन बिहार में अक्सर देखा जाता है कि वो गरीबों का मदद करते नजर आते हैं। जी, तो पूरा यकीन है कि अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो हमारी 100% वो मदद करती है, कॉन्फिडेंस है, बस हम तो जानते नहीं तो पहुँच नहीं पाते। हालांकि पप्पू यादव जी हमारे भी संसदीय क्षेत्र के सांसद जी हैं और हम उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोग जैसे व्यक्तियों का मदद करें, ताकि आपका मदद नहीं, ये उन लोगों का मदद करेंगे जो कि पूरे दिव्यांग हैं और कहीं ना कहीं वो रोजगार हैं, रोजगार खोज रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। बाकी आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।